देहरादून में रविवार को पुलिस ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्पा सेंटर्स पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 70 स्पा सेंटरों की जांच की, जिसमें से कई स्पा सेंटरों पर अनियमितताएं पाई गई। वहीं पटेल नगर क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार का मामला भी सामने आने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। स्पा सेंटर संचालिका सहित 4 लोगों पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस दौरान 5 पीड़िताओं को भी रेस्क्यू किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शोभा रानी, विजय कुमार गुरुंग, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद अमजन बताया गया है। बता दें कि पुलिस ने 70 स्पा सेंटरों की जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे, आगंतुकों के मेंटेनेंस रजिस्टर और कर्मचारियों के सत्यापन की विस्तृत जांच की है। वहीं अनियमितताएं पाए जाने पर 26 स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई, साथ ही 10,750 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट।